बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 6 इंग्लिश बी क्लास। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों आज हमने फर्स्ट सेमेस्टर का लास्ट यूनिट पढ़ना है, यूनिट नंबर 35 है, माय लॉर्ड बैग ऑफ राइस। ठीक है, मेरे आका चावलों का एक बैग। ठीक है, ये चावलों का एक बस्ता। ठीक है, बेसिकली ये भी हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन यूनिट है, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था अपिक टेल। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से My Lord, a bag of rice भी एक स्टोरी बेस हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन है। ठीक है, तो आपने पैराग्राफ्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से सुनना है। ठीक है, ताकि जब आप क्वेश्चन आंसर्स के लिए अटेम्प्ट करें, ठीक है, तो आपको वो चीज़ क्लियर। ठीक है, अब फर्स्ट देखिए, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। हाई सेटू वॉज अ ब्रेव वॉरियर इन एंशियंट जापान। One day when he sailed boat in search of adventure, he found that on the big spanning lake beaver, a huge serpent dragon lay across his path. He was a man of great courage and stepped over the dragon's body and went forward dauntlessly. ठीक है, अब basically first paragraph में हमें क्या बताया जा रहा है कि हर्स्टेको जो है ये एक बहुत बहादुर जंगजू था। ठीक है, जापान का। इसने क्या किया था कि इसे एडवेंचर्स का शौक था। एडवेंचर्स इसे कहते हैं कि मुहिम जोई वगैरह करना। ठीक है, यानी डिफरेंट रूटीन से, ठीक है, कैजुअल रूटीन से हट के कुछ काम करना। तो यहाँ पे वो यही बता रहे हैं कि उसे भी इसी तरह से एडवेंचर्स करने का शौक था। यानी कुछ लोगों का एडवेंचर होता है कि वो माउंट क्लाइंबिंग करें। ठीक है, कुछ का मतलब हर एक का डिफरेंट टेस्ट होता है। ठीक है, तो अब इसका क्या टेस्ट था, इसे एडवेंचर्स का शौक था, यानी ये लंबे सफर पे निकल जाता था। ठीक है, और कुछ अजीब वो करीब मतलब चीजें से घूमने का शौक था। ठीक है, उसने वहां पे क्या कि वहां पे लेक बीवर जो था उसके किनारे पे, ठीक है, जब वो पहुंचा तो वहां पर उसने एक बहुत बड़ा ड्रैगन देखा, यानी बहुत बड़ा सांप इसे नजर आया। He was a man of great courage and stepped over the dragon's body and went forward dauntlessly. ठीक है, लेकिन जब वो उस खौफनाक बलाक उसने देखा तो वो वहां पर पीछे नहीं हटा, बल्कि उसे देखकर वो मजीद आगे बढ़ता चला गया। Suddenly he heard someone calling him from behind. ठीक है, फिर अचानक उसे कुछ आवाज सुनाई दी, जैसे he was surprised to see that the dragon had entirely disappeared and a strange man with a dragon's head crown was bowing ceremoniously to him. Hirsuto knew at once that this was no ordinary mortal but the serpent dragon star form. ठीक है, अब उस दौरान क्या हुआ कि उसे अचानक आवाज आई, ठीक है, पीछे से, और जैसे ही उसे पीछे मुड़ के देखा तो वो हैरान हुआ कि वहां से जो ड्रैगन था वो अब खत्म हो चुका था और उसकी जगह जो है एक बहुत अजीबोगरीब आदमी जो था जिसका जिसके सर पे जो है वो ड्रैगन क्राउन था। ठीक है, यानी उसपे ड्रैगन हेड पे एक क्राउन से बना हुआ था, एक तार से बना हुआ था जो उसने पहना हुआ था। ठीक है, और अब जो हर्स्टेको था, ठीक है, उस चीज को देख के उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो ट्रांसफॉर्म हो गई, यानी तब्दील हो गई है। ठीक है, जो स्नेक उसे पहले नजर आया था, जो ड्रैगन हुई उसमें तब्दील हुआ है। The dragon king asked for Hirsuto's to help for killing against centipede, his mortal enemy that had discovered his home in the lake. It had carried off members of his large family night after night to eat. As he was unable to save his family, he was looking for a brave human being to help him. Hirsuto took pity on him and agreed to kill the centipede. ठीक है, अब वो जो ड्रैगन किंग था उसने उससे, ठीक है, यानी जो एंशियंट बैरियर था, ठीक है, उससे रिक्वेस्ट की कि वहां पे उनके हाँ जो है वो अगेंस्ट सेंटिफाइड, यानी एक बुत नुमा, ठीक है, एक जिन नुमा जो है वो बोना सा उनके पीछे पड़ा हुआ है। ठीक है, और वो पूरी जो फैमिली है वो उसको खत्म कर रहे हैं, और ये एक मॉडल फ्रेंड एनिमी है सॉरी उनका। ठीक है, यानी वो उसकी मुखालिफ पार्टी का है और वो उन्हें मुसलसल नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, और उनकी जो उस लेक में जो उनका घर है उसमें रहने वाले तमाम मेम्बर्स जो है, ठीक है, तमाम उसकी फैमिली जो है वो रात को आता है और वहां पर आके उनको खा जाता है। ठीक है, और इस तरह से उन्हें काफी नुकसान हो रहा है और उनमें इतनी सलाहियत नहीं है कि वो उसका मुकाबला कर सके, तो इसलिए उसे एक इंसानी एक इंसान के जरूरत है, ठीक है, जो कि आए और उसे वहां से खत्म करे। ठीक है, फिर जो हाइसेगो था उसे उस पर रहम आ गया, ठीक है, और उसने जो है वो इस बात के लिए वो आमादा हो गया कि वो अब इस सेंटीपेड को मारेगा। ठीक है, एज द सेंटीपेड केम नाइटली एट अ सर्टेन आवर द ड्रैगन किंग इनवाइटेड हाइसेगो टू A lavish feast served by fishes.
in his magnificent crystal palace. Suddenly, Hystaspes saw the centipede advancing towards his foot. The eye of the centipede were like great balls of fire. ठीक है, अब उन्होंने चूंकि उसे इनवाइट किया हुआ था हाइस्टेगो को, ठीक है, तो वो वहां पे चला गया. वहां पे जब गया तो उन्होंने बहुत उसे अच्छे से जो है वो खाना वगैरह पेश किया, उसे बहुत खिदमत की. फिर अचानक जब सेंटीपेड उसके सामने आया, ठीक है, रात के वक्त, तो उसने उसे ऑब्जर्व किया तो उसकी आंखें जो थी, ठीक है, वो दे लुक जस्ट लाइक अ बॉल ऑफ फायर, ठीक है, यानी आग आग बोलो इन्हें थी उसकी आंखें, ठीक है. इट्स बॉडी वॉज द कलर ऑफ बर्निश गोल्ड एंड द क्रिएचर हैड 100 लेग्स, ठीक है. Hystaspes shot two arrows at it, but they glanced off harmlessly. अब Hystaspes जो था, ठीक है, उसने जब उस बिलाव को देखा तो उसने उस पर अटैक किया, ठीक है, उस पर जो है उसने तीर फेंके, लेकिन वो इतने अच्छे अंदाज से मुस्कुराए, ठीक है, कि जैसे उन्हें कोई चीज जो है वो नुकसान नहीं पहुंचा सकती और ये उनके लिए हार्मलेस है, यानी उन्हें इससे कोई नुकसान नहीं होगा. Hystaspes remembered that human salvo was deadly to centipedes, ठीक है. फिर उसको ये जो Hystaspes था, ठीक है, उसको ये याद आया कि जो ह्यूमन सेल्वा होता है, यानी जो इंसान की जो लॉग होता है, ठीक है, जिसे आप फूक कहते हो, वो इन सेंटीपेड्स के लिए बहुत जो है वो नुकसानदेह होता है, ठीक है, वो इसी से मर जाते हैं. फिर उसने क्या किया, सो ही अप्लाइड सेल्वा ऑन द लास्ट एरो, ठीक है, फिर उसने उसके पास जो आखिरी तीर बचा था उस पर उसने वो सेल्वा लगाया एंड शॉट द सेंटीपेड, और उस सेंटीपेड को शूट किया, ठीक है. This time the arrow killed the centipede and it fell into the lake, turning the water red. ठीक है, फिर इससे क्या हुआ कि वो जैसे ही उसको लगा थी तो वो सेंटीपेड जो था वो मर गया और वो नीचे नदी में गिर गया, ठीक है, और पानी जो था वो सारा सुर्ख होना शुरू हो गया. All the inhabitants of the lake came out joyously to celebrate and facilitate Hystaspes as a token of gratitude. The dragon king gave a sumptuous feast for Hystaspes where he represents him with a bronze bell which Hystaspes later presented to a temple, a bag with a never ending supply of rice, a roll of silk which never finished though long pieces were cut off from it, and a cooking pot which cooked delicious food without putting it on fire. ठीक है, जैसे ही अब वो जो सेंटीपेड था वो जैसे ही उसके अंदर गिरा, ठीक है, तो जितने भी वहां पे उस नदी में रहने वाले जितनी भी मखलूक थी, ठीक है, वो सारे खुशी से बाहर की तरफ आए, ठीक है, और उन्होंने उनको बाकायदा जो है वो फैसिलिटेट किया और Hystaspes का वो बहुत अच्छे से उन्होंने उसको शुक्रिया अदा किया, ठीक है, एज अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड. फिर अब उसने एक गिफ्ट के तौर पर जो ड्रैगन किंग था उसने उसे सेम्पचुअस फील्ड यानी बहुत आला किस्म का खाना पेश किया, ठीक है, Hystaspes के लिए. फिर उसके बाद उसने एक उसे ब्रोंज बेल दी, यानी तांबे का एक उसे बेल दिया, ठीक है. उसके बाद उसने उसे एक टेंपल जो है वो शो किया. फिर उसने एक बैग उसे दिया, ठीक है, जिसमें चावल जो थे वो कभी ख़त्म नहीं होते थे, ठीक है, कभी ना ख़त्म होने वाले चावलों वाला बैग दिया उसे. फिर उसने एक उसे रोल ऑफ सिल्क दिया, यानी सिल्क का एक कपड़ा दिया, एक रोल दिया, ठीक है, जिससे जितना भी कपड़ा काटा जाए, जितने भी पीसेस निकाले जाए, वो कभी ख़त्म नहीं होते थे, ठीक है. एंड अ कुकिंग पॉट, और एक ऐसा बर्तन दिया जिसमें जो है वो डिलीशियस खाने बनाए जाते थे, बहुत मज़ेदार खाने बनते थे उसमें. लेकिन उसकी जो हैरत ज़्यादा बात थी वो ये थी कि उसको आग पर नहीं चढ़ाना पड़ता था, ठीक है, आग के बगैर खाना बनाता था. लास्ट पैराग्राफ थे कि Hystaspes फेम स्प्रेड फॉर एंड वाइड यानी दूरदराज तक. ही बिकेम रिच एज ही नेवर हैड टू स्पेंड ऑन फूड सिल्क और फ्यूल. दैट वाज व्हाई ही केम टू बी कॉल्ड माय लॉर्ड बैग ऑफ राइस, ठीक है. फिर उसको उसकी जो शोहरत थी वो दूर दराज तक मशहूर हो गई और वो इतना ज़्यादा अमीर हो गया, ठीक है, कि खुराक और फ्यूल और सिल्क ईच एंड एवरीथिंग जो है उसके पास उसकी जो है वो ज्यादती हो गई, ठीक है. और इसी वजह से क्या है कि उसे उस Hystaspes को क्या बुलाया जाता है, माई लॉर्ड बैग ऑफ राइस, ठीक है, यानी एक बैग ऑफ राइस रखने वाले, यानी चावलों का पूरा बस्ता रखने वाले आपका, ठीक है जी. अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं. पहले हमारे पास एक्सरसाइज ए है. कॉम्प्रिहेंशन में आपको पता है कि हम जस्ट क्वेश्चन आंसर्स राइट करते हैं, तो आपने अपनी नोटबुक रेडी करनी है, ठीक है. मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे, डेट एंड डे मेंशन करेंगे. उसके बाद हमारे पास जो एक्सरसाइज सी है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर ओन वर्ड्स, ठीक है. तो एक्सरसाइज बी जो है
डी एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों ने मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है, देखने के लिए मेंशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने हेडिंग देनी है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, व्हाई डिड द ड्रैगन किंग आस्क हाई सेगोस टू हेल्प हिम, ठीक है, कि उसने उन्हें क्यों कहा था कि वो उसकी मदद करे। क्वेश्चन राइट करें आप, मैं आपको नोट्स शो कर देती हूँ ताकि आपको लिखने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, व्हाई डिड द ड्रैगन किंग आस्क हाइस्ट्रेगोस टू हेल्प हिम। आंसर लिखेंगे, द ड्रैगन किंग आस्क्ड फॉर हेल्प बिकॉज द सेंटीपेड would come and eat a member of his family each night. Question number 2 है, where did the dragon king live? Answer लिखें, the dragon king lived in the lake. Question number 3 है, what did the centipede look like? Answer लिखें, the centipede was huge and his eyes were like great balls of fire. He was the color of gold and had 100 legs. Number 4 hai. Question number 4, how did Hiesto finally kill the centipede? आंसर लिखें, हर्सेटू फाइनली किल्ड द सेंटीपेड विद एन एरो व्हिच हैड ह्यूमन सेलिवा ऑन इट। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई वाज हर्सेटू कॉल्ड माय लॉर्ड बैग ऑफ राइस। आंसर लिखें, he was gifted with a bag that gave never ending supply of rice, which is why he was called my lord bag of rice, theek hai। answer dobara repeat kar rahi hu, he was gifted with a bag that gave never ending supply of rice, which is why he was called my Lord Bag of Rice, ठीक है। ये थे हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन आंसर्स। इसके अलावा जितनी भी एक्सरसाइज है, ठीक है, वो हमारे स्किप है। आपने यूनिट को बहुत अच्छे से रीड आउट करना है, ठीक है। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा, स्टोरी बेस्ड है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स भी इसके शॉर्ट हैं, तो आपने इतने आंसर्स, इसके लॉन्ग नहीं है, तो आपने बहुत अच्छे से इसके क्वेश्चन आंसर्स भी प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। जितना भी आपका कॉपी वर्क है, ठीक है, और कॉपी वर्क से हट के भी जो भी आपने यूनिट्स किए ग्रामर ट्री के, उनको बहुत अच्छे से थॉरली आपने रीड आउट करना है, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।